सिद्धार्थनगर के आरक्षी दोनों पीएससी पुलिस लाइन में रिक्रूट प्रशिक्षण किया। उसके बाद सभी उपस्थित लोगों को पुलिस लाइन में रिक्रूट प्रशिक्षण दीक्षांत परेड समारोह में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के द्वारा प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अधिकारी व कर्मचारी लोग मौजूद रहे। प्रशिक्षण आईटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं रिक्रूट आरक्षी नंदन यादव आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार ग्रहण करें। 7/2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के रिजर्व पुलिस लाइंस के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व में दिसंबर 2019 में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। आरटीसी सिद्धार्थनगर एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र है, किंतु वर्ष 2011 में प्रथम आरटीसी के संपादन के उपरांत यहां प्रशिक्षण संबंधी मूलभूत आधार व आवश्यकताओं के अनुरूप आरटीसी बैरक मेस क्लासरूम वाय प्रशिक्षण ऑप्टिकल बनाया गया है। ये आज पुलिस लाइंस सिद्धार्थनगर में रिक्रूट आरक्षी जो कि पीएससी की रिक्रूट आरक्षी ट्रेनिंग यहाँ 6 महीने चल रही थी उसका दीक्षांत समारोह था। इसमें आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इसमें 205 रिक्रूट आरक्षियों ने जो परीक्षा थी उसको सफलता से पास किया है और आज ये सब लोग पीएससी बल का एक हिस्सा बन रहे हैं। सर, उनको जो है क्या प्रशिक्षण के दौरान या यहाँ आज जो समापन का कार्यक्रम किया गया है क्या संदेश दिया गया कि मतलब देश के प्रति वो समर्पित रहे? इस दीक्षांत समारोह में सभी को भारत के कानून और संविधान की शपथ दिलाई गई कि वो देश के लोगों की सेवा करेंगे और उनको प्रशिक्षण के दौरान इंडोर और आउटडोर का जो सिलेबस है उसके मुताबिक उन लोगों को 6 महीने का पूरा ट्रेनिंग कराया गया है और यह लोग पूरे सक्षम हैं जो पीएससी की ड्यूटीज़ की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करने के लिए। प्रशिक्षण टीम सर कितनी जो है सफलतापूर्वक इन लोगों को प्रशिक्षण कराई, उन टीमों का क्या योगदान रहा सर? इसमें जो आरटीसी प्रभारी हैं वो हमारे क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षण के गाइडेंस में उनके द्वारा ये ट्रेनिंग करवाई गई और जितने 205 रिक्रूट कॉन्स्टेबल्स हैं सभी के द्वारा जो एग्जाम्स हैं वो पास किए गए हैं और कोई भी रिक्रूट आरक्षी असफल नहीं हुआ है। ये परिणाम है हमारे जितने आरटीसी के जो भी प्रशिक्षक गण हैं उनकी मेहनत का और उनकी लगन का। सर, प्रशिक्षण लेने वाली ये टीम कहाँ की थी? ये सभी लोग 26वीं वाहिनी गोरखपुर से हमारे यहाँ आवंटित किए गए थे और प्रशिक्षण के उपरांत ये सभी वापस अपनी मूल वाहिनी गोरखपुर वापस लौट जाएंगे। सिद्धार्थनगर से केके डी न्यूज संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।